श्रावण मास के पहले सोमवार आज उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल राशि ठाटवाड के साथ नगर भ्रमण पर निकले। सवारी की शुरुआत में महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यहां कोरोना का असर सवारी पर साफ देखा गया। कोरोना गाइडलाइन के तहत सवारी मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। महाकालेश्वर मंदिर में शाम 4 बजे की पालकी का पूजन किया गया, उसके बाद बाबा नगर भ्रमण पर निकले। मंदिर से शुरू हुई बाबा की सवारी बड़े गणेश मंदिर होते हुए सिद्ध आश्रम से रामघाट पहुंची, जहां शिप्रा नदी के रामघाट पर जलाभिषेक के साथ सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना होगी। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब के साथ मिलकर के हम लोगों ने बाबा महाकाल की जो गौरवशाली गरिमा में सवारी निकलती है, इसका जो मार्ग भी इस बार थोड़ा कोरोना को लेकर परिवर्तन करना पड़ा है, उसके हिसाब से सवारी मार्ग पर सवारी के आसपास और पूरे शहर में भी हमने पुख्ता इंतजाम किया है, ताकि बाबा महाकाल की सवारी गौरवपूर्ण परम्परा के साथ निकल सके और कोई ऐसी भीड़ इकट्ठा न हो पावे जिससे कोरोना महामारी फैलने का भी भय रहे। आप सभी के माध्यम से जिले की समस्त जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता, सबसे मेरा निवेदन है कि लोग अपने घरों में बैठकर लाइव दर्शन करें। लाइव दर्शन करने का बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस बार किया गया है। घरों में सहयोग रहकर दर्शन करके हमारी पुलिस व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था में सहयोग करें। बाबा का गौरव पाली परंपरा का अनुसार सवारी भी निकले और कोरोना से हम लोगों का बचाव भी हो। जैसे घुड़सवार निकलते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उस पर हम पूरी शान शौकत के साथ घुड़सवार भी रहेंगे। बाबा का सलामी भी यहाँ होगा, रामघाट पे होगा। उनके राजाधिराज के सम्मान में हम लोग बहुत अधिक दिल से कर रहे हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से जिले की, देश की और प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, इस व्यवस्था में सहयोग करें। ये व्यवस्था केवल कोरोना को खत्म करने के लिए किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आम जनता का सहयोग हम लोगों को। सर, कितना बल लगाया गया है? जो पूरी हमारी व्यवस्था है उसमें करीब 850 का बल लगाया है। मार्ग व्यवस्था के अलावा कई जगह बैरिकेडिंग लगाया गया है। कई लोगों को नहीं मालूम है कि क्या व्यवस्था बनी है। ऐसे कई लोग आते हैं, उनको विनम्रता के साथ व्यवस्था की बात बताएंगे, उनसे अपनी जगह पे रह कर के, दूर रह कर के ही अपने घर में रहकर दर्शन करने के लिए निवेदन करेंगे। इस तरह से पूरी व्यवस्था की जाए। देखिए, जैसा कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस निकाली थी, जिसमें किसी भी तरीके का जो धार्मिक समागम था उसको प्रतिबंधित किया गया है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है कि परंपरा का निर्वहन भी हो और इसके लिए सवारी भी निकाली जा रही है और गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस का पालन करते हुए उसमें श्रद्धालुओं को पार्टिसिपेट करने की मनाही हमारे द्वारा करी गई है और इसकी प्रतिपूर्ति करते हुए एक लाइव कॉमेंट्री जो पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं, जो अलग अलग टीवी चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अलग वेब लिंक के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है उनको सुनिश्चित करने के लिए हल्का सा रूट भी जो है उसका परिवर्तित किया है। जो प्राचीन परंपरा रही है सवारी के मार्ग की, वो ऐसी रही है कि हमेशा रामघाट में जो छिपरा का मिलन होता है, जो बाबा महाकाल का सवारी का, वो जो है एक नियत चीज है। बाकी जो रूट है वो पहले भी चेंज होते आए हैं, 2-3 बार पिछले 50-60 सालों में ही रूट चेंज हो गए हैं। कई सारे कुछ सालों पहले सामने से यहाँ से निकलती थी सवारी, जबकि उसका जब गली पतली हो गई, दूसरी चौड़ी रोड हो गई, तो वहां से भी परिवर्तन कर दिया गया। कुल मिला के पूरी तरीके से परंपरा का निर्वहन हो, ये हमारे द्वारा कोशिश करी गई है। इस संबंध में जितनी भी व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से करनी थी वो सारी की सारी SP साहब के नेतृत्व में करी गई है। मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम लोग पूरे वैभवशाली परंपरा के साथ में महाकाल की सवारी निकाल रहे हैं, लेकिन इसको देखने के लिए कृपया यहाँ पर एकत्रित ना हो। सभी लोग अपने घरों पर जो अलग अलग लिंक और हम लोगों ने दूसरे माध्यम आप लोगों को प्रदान किए हैं, उनके माध्यम से घर पर ही बैठकर लाइव कमेंट्री का आनंद। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है सवारी मार्ग के लिए। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है, जहाँ पालकी निकलेगी वहाँ पौधे लगाकर बाबा महाकाल। जी हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने बीच में इसको और ज्यादा स्वरूप इसका अच्छा करने के लिए कई जगहों पर
रंगोली भी करी है कई जगहों पर, पौधों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर भी किए हैं, कुछ आतिशबाजी भी जो है बीच में उसका भी वो किया गया, अरेंजमेंट किया गया है। तो कुल मिला के जो हमारी गौरवशाली परंपरा है इसका पूरी तरीके से पालन हो और साथ में कोरोना से संबंधित जो खतरे हैं वो जिस स्थिति में भी उज्जैन पिछले 2.5 महीने की लड़ाई के बाद आया है वो पीछे न जाए, ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए सवारी निकाली जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।